हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवीना नीटिंग। आज देखिएगा, दो रंग में एक बहुत ही प्यारा सा पैटर्न आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ और इसको बनाना बहुत आसान है। इसको आप लेडीज कार्डिगन में, जेंट्स स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। दो रंग का पैटर्न है और बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको बनाने के लिए हमने 4 के मल्टीपल से फंदे दिए हैं और इसमें 3 फंदे एक्स्ट्रा रखे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने 4 के मल्टीपल से फंदे लेते हुए 3 फंदे एक्स्ट्रा रखते हुए यहाँ पर टोटल 19 फंदे लिए हैं। ये देखिएगा, यानी कि 90 फंदे हैं ये हमारे। तो यहाँ से देखिएगा, मैंने बॉर्डर बना लिया है और रॉन्ग साइड से एक सिलाई पूरी मैंने यहाँ पर उल्टी बनाई है। अब देखिएगा, यहाँ से हम अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम इसमें सेकंड कलर लगाएंगे। मैंने रेड और यहाँ पर ब्राउन कलर लिया है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से कलर ले सकते हैं। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग, फर्स्ट फंदे से हम रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, एक फंदा हो गया, दो, तीन, तीन फंदे हमने बुन लिए, एक फंदा गैर बुना उतार देंगे। देखिएगा, यही 4 फंदे का डिजाइन हमें रिपीट करना है और ये पैटर्न हमारा देखिएगा 8 सिलाई का पैटर्न है, 8 सिलाई में कंप्लीट होगा। तो यहाँ से देखिएगा इस तरह से, अब फिर से हमें 3 फंदे बनाने हैं, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे, 3 फंदे बनाएंगे, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे, 3 फंदे बनाएंगे, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे, लास्ट के 3 फंदे बना देंगे। तो फर्स्ट रॉ हमारी देखिएगा यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब देखिएगा सेकंड रॉ, देखिएगा 3 फंदे हम ये उल्टे बनाएंगे, एक फंदा बगैर बुना उतार देंगे। तो यही 4 फंदे का डिजाइन फिर से रिपीट करेंगे। देखिएगा, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे, 3 फंदे बनाएंगे, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे, 3 फंदे बनाएंगे, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे, लास्ट में 3 फंदे बना लेंगे। तो ये सेकंड रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब थर्ड रो देखिएगा, धागे को ऐसे हम यहाँ पर क्रॉस कर लेंगे ताकि धागा लंबा नहीं छूटे। अभी हमें यही ब्राउन कलर से ही बनाना है, फिर से हमें फर्स्ट रो की तरह बनाना है। 3 फंदे बनाएंगे और एक फंदा बगैर बुना उतार देंगे। देखिएगा, 3 फंदे बनाएंगे, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे, 3 फंदे बनाएंगे, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे, 3 फंदे बनाएंगे, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और 3 फंदे बना लेंगे। देखिएगा, अब रो नंबर 4 देखिएगा ध्यान से। अब हम यहाँ पर देखिएगा, ये 3 फंदे सीधे बनाएंगे और धागा अपने साइड लाएंगे और इस फंदे को बगैर बुना उतार देंगे। तो देखिएगा, यही 4 फंदे का डिजाइन रिपीट करेंगे। 3 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपने साइड लाएंगे और ये फंदा बगैर बुना उतार देंगे। 3 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपने साइड लाएंगे, ये फंदा बगैर बुना उतारेंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपने साइड लाएंगे, ये फंदा बगैर बुना उतारेंगे और लास्ट में 3 फंदे सीधे बना लेंगे। तो देखिएगा, 4 सिलाई में हमारा पैटर्न बन गया। अब फिर से हमें देखिएगा इसी पैटर्न को बनाना है, लेकिन इसकी जगह चेंज करेंगे और यहाँ से हम कलर भी चेंज करेंगे। अब हम रेड कलर से बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, एक फंदा बनाएंगे। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे, 3 फंदे बनाएंगे। तो यहाँ से देखिएगा, इस एक फंदे को छोड़ते हुए यही 4 फंदे का डिजाइन रिपीट करेंगे। एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे, 3 फंदे बनाएंगे, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे, 3 फंदे बनाएंगे, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे, 3 फंदे बनाएंगे। अब देखिएगा, लास्ट में 2 फंदे हैं, एक फंदा बगैर बुना उतार देंगे और एक फंदा बना देंगे। अब रो नंबर 6 देखिएगा, एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे, 3 फंदे बनाएंगे, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे। इसे यहाँ पर देखिएगा, 3 फंदे बनाएंगे, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे, 3 फंदे बनाएंगे, एक फंदा
बगैर बुना उतारेंगे, तीन फंदे बनाएंगे, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और एक फंदा बना लेंगे। अब रो नंबर सेवन देखिएगा, धागे को ऐसे क्रॉस कर लेंगे। देखिएगा जब हम धागे को इस तरह क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर धागा लंबा नहीं छूटता है, आपको इसी तरह से करना है। अब एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे, तीन फंदे 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 बनाएंगे, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और एक फंदा बना लेंगे। ये देखिएगा, अब रो नंबर एट देखिएगा, ये हमारे डिजाइन की लास्ट रो है। देखिएगा अब हम एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपने साइड करेंगे, इस फंदे को बगैर बुना उतार देंगे, तीन फंदे सीधे बनाएंगे, यानी कि इस फंदे को छोड़ते हुए यही चार फंदे का डिजाइन रिपीट करेंगे। धागा अपने साइड लाएंगे, ये फंदा बगैर बुना उतारेंगे, तीन फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपने साइड लाएंगे, ये फंदा बगैर बुना उतारेंगे, तीन फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपने साइड लाएंगे, ये फंदा बगैर बुना उतारेंगे, तीन फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपने साइड लाएंगे, ये फंदा बगैर बुना उतारेंगे और लास्ट के फंदे को सीधा बना लेंगे। तो इस तरह से देखिएगा आठ सिलाई में हमारा डिजाइन बनेगा। यहाँ से देखिएगा फिर से हमें इस पैटर्न को रिपीट करने के लिए देखिए क्या करना है, कलर चेंज करेंगे और तीन फंदे सीधे बनाएंगे, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे, तीन फंदे सीधे बनाएंगे, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे, तीन फंदे सीधे बनाएंगे, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे, तीन फंदे सीधे बनाएंगे, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे, तीन फंदे सीधे बनाएंगे। तो इस तरह से फिर से हमें फर्स्ट रो से लेकर एट रो तक इसी डिजाइन को रिपीट करना है। और जब हम ये डिजाइन इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे तो देखिएगा हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से दिखाई देगा, बहुत ही प्यारा और आसान सा पैटर्न है। इसको आप ट्राई करें और अपना फीडबैक जरूर दें। अगर आपको मेरे बुनाई के डिजाइन पसंद आते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए बुनाई डिजाइन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।